आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज और 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। क्या कुछ खास होने वाला है ये हम जानते हैं डीजीएनआर ग्रुप के न्यूज हेड अरविंद तिवारी जी से। और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आयोजन स्थल पर पहुंचने वाली हैं। इंदौर में वो अब से कुछ ही देर में पहले विमानतल पहुंचेंगी और वहां से कार्यक्रम स्थल पर आएंगी। सर क्या कहेंगे? देखिए, तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। कल प्रधानमंत्री थे और आज राष्ट्रपति रहेंगी। राष्ट्रपति कुछ ही देर बाद इंदौर पहुंच रही हैं और आधा घंटे बाद वो आयोजन स्थल पर पहुंच जाएंगी। लेकिन जो राष्ट्रपति की मौजूदगी में होने वाला कार्यक्रम है वो 3:30 बजे शुरू होगा और उस कार्यक्रम का जो मेन फीचर है, जो मुख्य भाग है, वो है प्रवासी भारतीय सम्मान। 27 प्रवासी भारतीयों को आज प्रवासी भारतीय अलंकरण से राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। उसके पहले राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल ने उनके सम्मान में जो भोज रखा है उसमें शामिल होंगी। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति से सौजन्य भेंट करेंगी। जो प्रवासी भारतीय सम्मान ग्रहण करने वाले प्रवासी हैं उनके साथ राष्ट्रपति का एक ग्रुप फोटो होगा। इसके अलावा आयोजन से जुड़े अन्य लोगों का, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ एक ग्रुप फोटो होगा। और 3:30 बजे ग्रांड हॉल में राष्ट्रपति आएंगे और 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। वहाँ पर जो है जयशंकर का भाषण होगा। गृहमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इंदौर आ रहे हैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, उनका भी संबोधन होगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का संबोधन होगा और उसके बाद सबसे अंत में जब अलंकरण दे देंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। तो आज अंतिम दिन है, लेकिन सुबह से ये देखने में आ रहा है कि सुबह पहला सत्र जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में शुरू हुआ, लेकिन हाल आधा भी नहीं भर पाया था। तो ऐसा लग रहा है कि डेलीगेट्स की आज के सत्रों में कोई विशेष रुचि नहीं है। अब महामहिम राष्ट्रपति की मौजूदगी में जो सत्र होना है, जो कार्यक्रम होना है समापन सत्र, उसमें क्या उपस्थिति रहती है अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रारंभिक पहला सत्र आज शुरू हुआ है केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में, उसमें बहुत कम उपस्थिति है। दूसरा, जो डेलीगेट्स हैं वो भी अब बहुत लाइट मोड में है, मतलब उनकी अब डिस्कशंस में और पैनल डिस्कशन जो हो रहा है उसमें कोई रुचि नहीं बची। पर्यटन, हाँ, वो बता रहे हैं कि भाई हमने ये देख लिया, यहाँ भी हमारी आज सुबह से कई लोगों से बात हुई तो बता रहे हैं कि हमने यहाँ देख लिया है, यहाँ हमारी जाने की प्लानिंग है। इंदौर में हमको ये कल 56 दुकान गए थे, सराफा गए थे, या जो होम स्टे वाले हैं वो अपने जो होस्ट हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो वो अब उनकी रुचि इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं बची। दूसरी बात एक और जो मुझे देखने में आ रही है कि ये जो डेलीगेट्स आए थे इनका सारा रुझान नरेंद्र मोदी के भाषण पर था। इनको सब ये नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए इच्छुक थे। और कल का जो घटनाक्रम रहा उससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेलीगेट्स थोड़े निराश हुए। आज हमारी कई डेलीगेट से बात हुई तो उन्होंने ये दर्शाया कि आज का सत्र उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो सत्र हुआ था उसको वो बहुत प्राथमिकता पे उन्होंने अपनी रख रखा था। और जिन लोगों को उस ग्रैंड हॉल में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुए सत्र में बोलने का मौका नहीं मिला वो थोड़े निराश भी लगे। उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर से आए, इतना खर्चा करके आए, उसके बावजूद भी हम प्रधानमंत्री को नहीं सुन पाए। अगर स्क्रीन पे ही सुनना था तो हम अपने देश में ही सुन लेते, अपनी होटल में ही सुन लेते। तो ये है। और दूसरा है कि अब चूंकि किसी भी आयोजन का, 3 दिन का आयोजन का जो अंतिम दिन रहता है वो कंक्लूडिंग मोड में आ जाता है, जो डेलीगेट रहता वो भी अब सब अपने हिसाब से। अच्छा, चूंकि आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम दोपहर बाद है इसलिए पूरी स्थिति जो है वो क्या, कितनी डेलीगेट्स की मौजूदगी हॉल में रहती है, कितनी उनकी अंतिम सत्र में रहती है, ये सब अभी लगभग 2 बजे के बाद ही मालूम पड़ा। हालांकि सुरक्षा प्रबंध को लेकर आज भी बहुत सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन आज जो कल बवाल मचा था उसके बाद आज एंट्री बहुत सुगम है। हालांकि कल और आज में फ़र्क है कि कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फर्स्ट हाफ में था, आज प्रेसिडेंट का कार्यक्रम सेकंड हाफ में है, इसलिए लेकिन आज एंट्री सुगमता से हो रही है, ज़्यादा रोका टोकी नहीं हो रही है, सुरक्षा प्रबंध वैसे ही हैं। अभी जो दूसरा सत्र होना है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऐसा कहा गया था केंद्रीय वित्त मंत्री की मौजूदगी में होगा, लेकिन अभी तक तो निर्मला सीतारमण इंदौर नहीं पहुंची है, लेकिन अगर वो आती हैं तो दूसरा सत्र उनकी मौजूदगी में होगा। और उस सत्र के बाद जो ग्रैंड हॉल है उसको खाली करवाया जाएगा, उसका SPG प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा चेकिंग होगा और उसके बाद वहाँ की बैठक व्यवस्था भी बदली जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद हैं, कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद हैं, तो इसलिए वो बैठक व्यवस्था भी वहाँ की उसी दौर में चाक चौबंद हो पाएगी। अभी हाल फिलहाल बहुत रिलैक्स मूड में सब लोग हैं। जो लोग जल्दी आ गए हैं वो एग्जीबिशन देख रहे हैं, खासकर जो डिजिटल प्रदर्शनी भारत सरकार ने लगाई है आज़ादी का अमृतकाल थीम पर, और जिसमें प्रवासियों के आज़ादी में योगदान पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उसमें वो रुचि ले रहे हैं। जो
ग्लिम्सेस ऑफ एमपी एग्जीबिशन है उसमें रुचि ले रहे हैं। तो कुल मिला के आप कंक्लूडिंग मोड में ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। आज राष्ट्रपति की मौजूदगी रहेगी, वे करीब 1.5 घंटा इस आयोजन में रहेंगी। आज हमारी कुछ डेलीगेट से अभिषेक बात भी हुई थी, आपने भी की, मैंने भी की, हमारे साथी प्रवीण सावंत ने भी की। तो थोड़ा सा उनकी बात सुन के ऐसा भी लगा कि प्रवासी भारतीय जिस उम्मीद के साथ आए थे और उन्हें लग रहा था कि उनसे जुड़े छोटे छोटे विषयों पर कोई समाधानकारक बात होगी, जो जटिल प्रक्रिया प्रक्रियाएं जो है उन पे कोई समाधानकारक बात होगी, तो वो जो है नहीं हुआ। वो थोड़ा सा उस पर निराश भी लगे और उन्हें उम्मीद थी कि विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ न कुछ जो प्रक्रिया की जटिलताएं हैं उनको आसान करने की दिशा में, क्योंकि ये फोरम ऐसा है जो 2 साल में एक बार इकट्ठा होता है और अभी तो ये 4 साल बाद मिल रहे हैं, तो इसलिए लोगों को अपेक्षा थी कि कुछ ना कुछ ठोस उन्हें यहाँ से मिलेगा। लेकिन कल का जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा वो मूलतः इंदौर पर केंद्रित रहा और जो प्रवासी भारतीयों से जुड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से रेखांकित किया वह ये मुद्दा था कि उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप अपने अपने देशों में हमारे राष्ट्रदूत हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, आप वहाँ जाओ और ये बताओ कि पिछले 8 साल में भारत कितना बदला है। लेकिन सर अब अगर हम बात करें कि इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा किसने कुछ पाया, तो मुझे लगता है इंदौर ने सबसे ज़्यादा कुछ पाया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर ने तो इस समिट में पाया ही पाया है। इंदौर का बदला हुआ चेहरा हमें देखने को मिला। जो ये 3500 डेलीगेट्स विश्व के अलग अलग देशों से आए थे उनकी नज़रों में इंदौर का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर का महिमा मंडन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा इंदौर को समर्पित किया। उन्होंने इंदौर के बारे में सब बताया, स्वाद की राजधानी बताई, शहर नहीं है ये दौर है और ये वो दौर है जो विरासत को भी अपने साथ समेटे रहता। किसी प्रधानमंत्री का देश के किसी एक शहर के बारे में इतना कहना बहुत महत्व रखता है। फिर जिस तरीके से उन्होंने इंदौर के ईटिंग पॉइंट्स को रेखांकित किया, 56 दुकान को रेखांकित किया, अपन का इंदौर, वो सब रेखांकित किया, तो कहीं ना कहीं इंदौर ने तो इस समिट में पाया ही पाया है। और ये इंदौर का सौभाग्य हम कहेंगे कि हर एक दो साल में इंदौर में इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हो या प्रवासी भारतीय सम्मेलन का हो या मैग्निफिशेंट एमपी जैसा आयोजन हो, जो कहीं ना कहीं इंदौर में बुनियादी सुविधाओं का जो ढांचा है उसको व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इंदौर की तो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के माध्यम से जितनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग हुई है उतनी सरकार बहुत ताकत भी लगा देती तो है, हाँ बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट भी कर लेती तो भी नहीं हो पाती, इतनी बड़ी ब्रांडिंग इंदौर की हुई है। सर एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि हमने देखा कि इंदौर को जिस तरीके से पूरा सजाया और संवारा गया है, अब वो आपके, अगर आपसे मैं राय मांगूँ तो क्या आपको लगता है कि ये कब तक थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए ताकि जो शहर के लोग हैं अभी वो ट्रैफिक व्यवस्था के कारण या कहीं ना कहीं पाबंदियों के कारण, अति विशिष्ट जनों के कारण उन स्थलों पर बहुत मुफीद तरीके से नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ जहाँ बहुत बेहतर तरीके से सजा और संवारा शहर को गया, क्या इस प्रदर्शनी टाइप और इस जो रंग रोगन किया इसे थोड़ा सा विद्युत सज्जा को जारी रखना चाहिए? देखिए मेरा ऐसा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तो चूंकि शहर में वीआईपी मूवमेंट इतना ज़्यादा है कि अभी शहर की, अच्छा जो माहौल बन गया था ना उसके कारण शहर की जनता बाहर नहीं निकल रही है अभी, हाँ। है ना, अपने 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 जैसे कोई दुकानदार है तो वो अपनी दुकान तक जा रहा है और अपने काम, हाँ, पूरा करके वापस आ रहा। मेरा ऐसा मानना है कि जो विद्युत सज्जा की गई है कम से कम 1 सप्ताह तक उसको इस शहर में रखी जाना चाहिए ताकि लोग देख सकें, इस शहर को अपनी निगाहों से देख सकें। अभी तक वो समाचार माध्यमों से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नज़रों से देख पाए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि जो ग्रीनरी की गई है, इंदौर नगर निगम का करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ है। अब ये नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है अभिषेक। अभी तक तो क्या था कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसके लिए ग्रीनरी करना है, सब ग्रीनरी हो गई, ये सब हो गया, लेकिन अब नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि इस ग्रीनरी को, इस हरियाली को बरकरार रखा जाए। मतलब नगर निगम के उद्यान विभाग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि इस ग्रीनरी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि चलिए लाइट्स तो हट जाएंगी, है ना, और भी जो होर्डिंग्स हट जाएंगे और भी जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, है ना, जैसे इस आयोजन स्थल पर हम देख रहे हैं कि लाखों रुपये के झाड़ उसके लिए लगाइए तो सब हट जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट ग्रीनरी की गई है, कारपेट ग्रास रोड डिवाइडर्स पे लगाई गई है, बड़े बड़े हजारों रुपए के पौधे जो हैं वो लगा दिए गए हैं, तो ये जो स्वरूप इंदौर के लोगों का देखा, कहीं इंदौर के लोगों के मन में ये बात नहीं जाना चाहिए कि थोड़े दिन बाद कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन था या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी इसके कारण इंदौर को इस रूप में लाया गया था। इंदौर
का पैसा लगा है, इंदौर नगर निगम का पैसा, मतलब इंदौर का पैसा, इंदौर की जनता का भी उसमें सहयोग रहता है। इसलिए अब इस ग्रीनरी को बरकरार रखना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है, और इसी से साबित होगा कि नगर निगम अपने काम में कितना सफल रहा, क्योंकि अभी तो सब जो था वो एक बड़ी इवेंट के लिए काम था, लेकिन आने वाले समय में इसमें निरंतरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहेगा। और सर, मुझे लगता है कि इस पूरे आयोजन की जो तैयारियां की गई है उसने स्वच्छता के सातवें चरण में भी शहर को सिरमौर बनाने की एक जो कहें हम कि तस्वीर लिख दी है, तस्वीर साफ कर दी, क्योंकि बड़े स्तर पर काम हुए हैं शहर के सुंदरीकरण में, शहर में साफ सफाई की अलग से व्यवस्था की गई है, और कई ऐसे ठोस काम किए गए हैं जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की टीम के सामने कहीं ना कहीं शहर की जो उपलब्धियां हैं उसमें बहुत मायने रखेंगे। देखिए अभिषेक, जो कुछ हम देख रहे हैं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 6 बार इंदौर प्रथम आ चुका है, 7वीं बार जल्दी ही शुरू होने टीम आने वाली, तो टीम का आकलन तो अपने स्थान पर शुरू होगा। इस शहर की जनता, प्रदेश के लोग और जो विश्व भर के लोग आज इंदौर में हैं, उनकी नज़र में तो ये तय हो चुका है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में इस बार फिर देश का सिरमौर बन जाए, ये ब्रांड वैल्यू भी काम आएगी। दूसरा ये कि इस पूरी समिट के लिए जिस तरीके से काम हुआ है, जो साफ सफाई चली है वो सारा हुआ है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक मजबूत आधार तो 7वें नंबर पे आने के लिए इंदौर ने तैयार कर दिया, लेकिन जो है अब होना उसका तय है, हो जाएगा, एक आधार तैयार हो गया, अब बस निर्णायक स्थिति की ओर जाना भर बाकी है। सर, मैं वापस आपसे जुड़ता हूँ, कुछ अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, NRI परिवार सहित आप आए हैं, पहले तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप। जी हाँ सर, ओके जी, अच्छा आप अवार्डी भी हैं जी। हाँ, तो ये अवार्ड इस साल के लिए, क्योंकि पिछली बार वाले लोगों को भी दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले वर्चुअली आयोजन हुआ था, हम वर्चुअल से आया था, 2021 का बैच का है जी, बट दिस टाइम उन लोग हम लोगों को भी इधर कैसा फील कर रहे हैं आप? इट्स नाइस, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सो दिस वी आर बहुत जने को मिला इधर है, एंड ऑल्सो हम तो प्रोफेसर है टोक्यो, एंड ऑल्सो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 25 यूनिवर्सिटीज का हेड है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सीधे प्रसारण के माध्यम से कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया हमारे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया था, अबाउट 25-30 ईयर्स में हम तो नया मटेरियल इन्वेंट किया था, वो हम तो क्या है बोले तो ये आजकल प्रॉब्लम क्या है बोले तो वर्ल्ड का वो एनर्जी का प्रॉब्लम है, भविष्य की भी बहुत भविष्य वही, अथवा देन सेकंड वन इज लाइक CO2 का, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, तो इसके दिशा में आप काम कर रहे हैं? या उसे इसका दिशा में शोध कर रहे होंगे, जो आप तैयारी कर रहे होंगे उसको आप भारत में योगदान देने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? कहीं पहले तो ये आगे दिनों में ये अब सब लोगों ने हम लोग हैं क्या है बोले तो सोलार एनर्जी को लोगों विंड एनर्जी को काम कर रहा ना, वो एनर्जी में काम करना बोले तो वो एनर्जी बनने के बाद वो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करना, अब सब राजस्थान में वो खूब 365 वो बहुत हॉट रहता है ना, उधर बिजली से इलेक्ट्रिसिटी करे तो वो इलेक्ट्रिसिटी सम डिफरेंट सिटी को इंडिया में पास करना, पैसा बोले तो हम क्या केबल्स यूज़ करना पड़ता, मतलब कुल मिला के जलवायु पर भी निर्भरता काफ़ी कुछ रहने वाला है, वो उसको 100% हम लोग क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग केबल बोल को नया केबल में काम कर रहा, उसमें लॉस नहीं रहा था, अब केबल्स यूज़ कर रहा उसमें 10% लॉस रहा था, वो ये केबल्स पहले दिनों में कंपलसरी वो सुपर कनेक्ट केबल यूज़ करना पड़ता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस समस्या की तरफ आपने इशारा किया, ऐसी समस्या हमारे सामने चुनौती के तौर पर सामने आ रही है, ऐसे में जनता की जवाबदारी कितनी हो जाती है कि वो भी कहीं ना कहीं अब इन समस्याओं से निपटने के लिए शुरुआती तौर पर ही अपनी जागरूकता का परिचय लें, क्या कहेंगे, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? कई को पहले तो हम लोग यह यूज़ कर रहा है ऐसे लाइक एनर्जी को ना सेव करना पड़ता, हम लोग क्या है बोले तो ये स्टिल हम तो इंडिया में कर दो कोल को वो सब लोग यूज़ कर रहा है ना, उससे बहुत CO2 एमिशन का प्रॉब्लम रहा था उस आधा, तो देन क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जस्ट आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छा काम कर रहा देश ये डायरेक्शन में ना, वो कई का CO2 एमिशन को कैसा कम करना पड़ता, देन नया न्यू एनर्जी को कैसा डेवलप करना, उसमें काम कर रहा ना, वी
एज ए लाइक प्रवास भारती अवार्ड इज वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प. वो लास्ट टाइम टोक्यो में भी मैं मिला था. हम बता रहा था वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज है. इशू में काम करने में हम लोग भी हाथ कंपल्सरी देंगे. कैसा लग रहा है पापा जो है भारत की राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने जा रहे हैं? क्या फीलिंग है आपकी? It's truly amazing. As his daughter, I've seen firsthand how much he puts his efforts, his dedication towards his work. He truly loves the country and always works for his globalization and collaboration with Japan and India. And seeing his efforts be recognized and honored in this such a beautiful event is truly amazing. Such a life, once in a lifetime experience for sure. Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए. और एक बार फिर हम हमारे न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी की तरफ चलते हैं. सर, पुरस्कार मिलने वाला है यहाँ पर, उनसे भी हमने चर्चा की है. तो ये जो अवार्ड मिलने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं जो तमाम हस्तियाँ हैं उनके अंदर उत्साहवर्धन करेगी. और उन्होंने जिस तरह से कई समस्याओं को, जो भावी समस्याएं इशारा किया है, तो वो उसमें कितना ये कारगर साबित होना? देखिए, बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड है. और जिस किसी प्रवासी को प्रवासी भारतीय अलंकरण मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होता है. और ये सब वो लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कोई जलवायु के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो कोई आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई नवाचार के लिए काम कर रहा है. सब बहुत अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले ये लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है. तो बहुत प्रतिष्ठापूर्ण अलंकरण है. जिसे भी मिलता है उसके लिए बहुत गर्व का विषय है. और हम सब के लिए भी इसीलिए बहुत उत्सुकता रहती कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके चलते इन्हें प्रवासी भारतीय अलंकरण दिया जा रहा. तो एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण सम्मान मिलता है. इसका जो अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने जो आपको बताया कि इसका चयन का मापदंड भी बहुत एक अच्छी प्रोसेस है, उसके साथ जो है वो होता है. तो एक अलग मतलब बहुत प्रतिष्ठापूर्ण अलंकरण है. और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के जो इसके लिए योग्य थे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट काम किया, उन्हें ये अलंकरण भारत सरकार दे रही है. सर, स्वीडन से भी हमारे साथ कुछ अतिथि हैं. आप भी चाहें तो पूछ सकते हैं कि क्या पहले सर बताएं कैसी रही मेज़बानी इंदौर की? देखिए, मैं जो भारत प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब स्टार्ट हुआ था 2003 में, उसको मैंने अटेंड किया था. और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने तब से 40 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए, मैं भारत के लिए कुछ कर नहीं पाया. और अभी दुख बहुत ज़बरदस्त हो रहा था. पहला दिन गया, जब दूसरा दिन गया तो मुझे दुख हो रहा था कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से, मामा जी के पास टाइम नहीं था, वो मिल नहीं पाया. मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए किया गया है. यहाँ दुनिया भर के जो हमारे भारत के उद्योगपति और दूसरे लोग हैं, वो भी बहुत हमारे सर माथे पे हैं, उनकी बजाय हमसे बात करने का टाइम निकालना चाहिए. क्योंकि वो तो यही है इंडिया में, वो तो कभी भी बात कर सकते हैं. हम आए हैं भारत को नई टेक्नोलॉजी देने, हम आए हैं भारत को नई इनोवेशन देने. स्वीडन से आया हूँ मैं, स्वीडन का फ़ायदा जर्मनी ले गया, जापान ले गया, USA ले गया, हम क्यों नहीं लें? वहाँ पड़ी हैं, जंग खा रही हैं इनोवेशंस. इनोवेशन का मतलब क्या होता है आप समझते हैं. माचिस जब आप और हम पैदा नहीं हुए थे तब निकली थी, स्वीडन से निकली थी. डायनामाइट जिसने हथियारों में भी और खदानों में भी काम किया, एटलस्कोप को खदान की कंपनी. बॉल बेयरिंग साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक सब जगह लगता है, नहीं था दुनिया में, स्वीडन ने दिया. तो ऐसी चीज़ें भारत अगर देगा वहाँ से लाकर, तो सोचिए आप कितने हजारों करोड़ों की टर्नओवर होगी. वो चीज़ मैं चाहता हूँ अब करना, इसलिए मैं आया हूँ. मुझे जब टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं दुखी था, कल मैं मिल गया हूँ. मुझे राज्यवर्धन जी मिले हैं. हम भी आज कोशिश करेंगे इंडस्ट्री लोगों से आज मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा रश भी कम है. नहीं, मुझे आप टेलीफोन नंबर युवाओं को देने दें अपना, ताकि क्योंकि मैं 1.5 महीना यहाँ हूँ. 8459340124 ये मेरा नंबर. 8459340124 युवा जो एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स वाले हैं, वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो एकदम से आकाश की तरफ भारत हमारा जाएगा. बहुत बहुत जय हो, जय हिंद. से बातचीत के लिए जी हाँ सर, क्या कहेंगे सर कुछ जो आप? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने जो आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ रही है कि प्रवासी भारतीय जिस अपेक्षा के साथ आए थे, उनको लग रहा था कि हमारा, जैसे अभी हमारी बात हुई स्वीडन से आए मनोज जी, उनकी पीड़ा क्या है? उनकी पीड़ा कुछ नहीं, उनकी पीड़ा है कि मैं तो देना चाहता हूँ,
मैं देना चाहता हूं और मुझसे कोई डायलॉग तो करे, मैं संपर्क कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, तो ये मुझे लगता है कि ये कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय की ओर से ये कम्युनिकेशन गैप रहा है कि यदि इस तरह के लोग जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, अपना कुछ भारत को देना चाहते हैं, उन लोगों का स्थानीय लोगों से या मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संवाद करवाते तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को कुछ हासिल होता। ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी विशेषज्ञता का लाभ मध्य प्रदेश को देना चाहते हैं इस आयोजन में आए। वो कह रहे हैं ना कि हमारा आयोजन का मकसद आने की ये था कि हमारे पास जो एक्सपर्टाइजेशन है वो हम यहाँ दे सकें, लोगों को, नई पीढ़ी को दे सकें। तो वही मैंने आपसे जो कहा ना कि कई लोगों के मन में अभी ये बात है कि हम यहाँ जिस मकसद से आए थे वो पूरा होता हमारा दिख नहीं रहा, हमको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत भव्य आयोजन किया मध्य प्रदेश सरकार की, चूंकि सहभागिता हो गई थी इसलिए आयोजन बहुत भव्य स्वरूप में हो गया, इंदौर की ब्रांडिंग हो गई, मध्य प्रदेश को खूब तारीफ मिल गई, लेकिन प्रवासी भारतीय जो आए हैं उन वो भी मध्य प्रदेश को लेकर, वो भी भारत को लेकर और वो भी इस आयोजन को लेकर एक अच्छा संदेश देकर जाएँ, यह भी एक बड़ा इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए, तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला है। तो कुल मिलाकर अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। यहाँ राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में होस्टिंग में एक लंच का आयोजन किया गया है और उसके बाद समापन समारोह का मुख्य कार्यक्रम जो जिसमें अवार्ड भी वितरित किए जाएंगे वो कार्यक्रम होगा। तो इन तमाम जो अपडेट्स हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए डीजीएनआई न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, इंदौर।